नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और मौके पर इस कमरे में से, जी हाँ, इस घर से एक औरत को भी पकड़ा जाता है, एक व्यक्ति के साथ क्या कुछ। ये पूरा मामला है, आपको बताएंगे कि कैसे जो है बताया जा रहा है, एक व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग जो है औरतों को लेकर आता है। तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि किस तरह से यहाँ पर कुछ गलत काम हो रहा था। और कमरे की जो परिस्थितियां बताई जा रही है वो भी संदिग्ध है, क्योंकि यहाँ पर कोई बर्तन या कुछ इस तरह के घरेलू, जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई किराए पर रहता है, वैसा कुछ नजर नहीं आया। तो मैं यहाँ के लोगों से भी बातचीत करूंगी। दूसरे तीसरे दिन आवे थे, चौथे दिन भी आवे थे, आठवें दिन भी आवे थे, एक एक जनानिया ने लेकर आवे था। अच्छा, तो क्या लगता है गलत काम होता था अंदर? जी गलत ही हो जी, बुरा कोई बस स्टैंड नहीं, डोबरा नहीं, कोई खाट नहीं, खटोली नहीं, पूरा के लेना मैं। शुक्रवार वाले दिन आए थे, तो आज जब आए तो फिर आपने पुलिस को मौके पर बुलाया? हां, पुलिस वाले में बुला लिया था मैंने। तो किसका घर है, कुछ पता है? बहादुर है, को बहादुर का है, कोई सरदार बहादुर है, रवा नुंगई है कड़ी के काम है, चेहरे का मैं भूल गई, गांव का तो मेरा नाम नहीं है। फिर दूसरे तो यहाँ क्या कुछ होता था, रात को भी आते थे? ना ना, मैं रात में तो उठ दी नहीं, मैं 7-8 बजे भीतर बढ़ जूंगी, मैं नहीं निकलती बाहर, दिन में बैठी रहूँ सारा दिन। तो क्या लगता है कि भाई अंदर क्या कुछ होता? हाँ भाई, न्यारी न्यारी जनानी लेकर आओगे के पता लगेगा और के समझोगे। तो फिर क्या लगता है कि भाई गली का माहौल खराब कर रहे थे? हाँ, माहौल ही खराब है जी, क्योंकि यहाँ पे बेटियाँ भी रहती होंगी, बेटियाँ भी रहा है, बच्चे भी रहा है, उस घर का हमने फोन करा था। अच्छा, तो फिर क्या कार्रवाई हुई है इस मामले में? हम ये कुछ नहीं, बाल तो पुलिस वाले ले गए, बैठा कर उन्हें ले गए, बिठा कर ले गए। तो क्या दूसरा कौन था? एक लगाई थी, एक लोग था बस। अभी आए थे, दिन में ही आए थे वो लोग? हाँ, वे आए थे 12:30 बजे करीब, 1 बजे पुलिस आ ली थी, उधर ले गई थी, मेरा वीडियो वाले भी गलो आए थे उसके साथ ही। तो क्या लगता है कि मतलब क्या वो अंदर, मतलब अंदर कोई घर का जैसा माहौल नहीं है, मतलब बर्तन बुर्तन नहीं, कुछ नहीं है, खाली पड़ा, बिल्कुल खाली है? हाँ बिल्कुल खाली है, उसमें नहीं है एक चम्मच भी या झाड़ू बुहारी भी हो, मैं तो एक पल्ली सी लेकर काट देते, उसी में तो मोटरसाइकिल में तारा अपना भीतर बढ़ देते, पानी की बोतल भी बाहर तेल आवे थे। तो मतलब पूरा शक है कि अंदर गलत काम ही होता होगा? हाँ, शक तो अपने आप ही बढ़ना जीव, कभी किसी ने लिया होगा, कभी किसी ने लिया होगा, एक जनानी ने लिया तो भी नहीं समझा, चलो इसकी और तो होगी, तो जीव न्यारी न्यारिया ने लिया होगा कैसे। गली वालों ने विरोध नहीं करा? गली में वो देखे सब के जागती वाली सी आए, आदमी दिन में कोई रंधा नहीं, ये लगाई भी डरती नहीं, बोल दी भाई कभी मारते मम के ऊपर आई ले। हाँ हाँ जी, वो भैया नहीं बोलने की, मना करे आप लोग सुना फोन तो। हाँ, तो फिर अब गली वालों ने साथ दिया आपका? हाँ दिया, सबने मिलके। हाँ जी, तो सब मिलकर बोल ले, क्योंकि गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। हाँ, गलत के खिलाफ तो बोलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी विहार का ये इलाका है, और आपको बताना चाहूंगी एक मकान यहाँ पर है जहाँ पर पुलिस आती है, मौके पर एक व्यक्ति और एक औरत को पकड़ा जाता है। जो गली वालों का कहना है वो यही कहना है कि जो यहाँ पर है वो व्यक्ति अलग अलग जो है औरतों को लेकर यहाँ पर आता था। अभी जो है मौके पर 32-33 पुलिस यहाँ पर पहुँचती है और उनको यहाँ से पकड़कर लेकर जाती है। अंदर की मैं बात करूँ तो कमरे जो अंदर बताए जा रहे हैं कि खाली है, एक गद्दा मौके पर है और एक जो है सोडे की जो है बोतल बताई जा रही है, जो कुछ है। अगर मैं घर की बात करूँ तो आपको मैं घर की भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से एक कमरा जैसे ये घर बना हुआ है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सब जो लोग हैं अपने अपने घरों में रहते हैं, और जिस तरह से आंटी जी ने बताया कि लोग जो है कई बार बोलने में हिचकिचाते हैं इस तरह के मामले में, तो आपका क्या कहना है? अगर आप भी इस तरह से सामने के घर में रहते हो और इस तरह के सामने घर में इस तरह की हरकत होती है, एक व्यक्ति जो है छोटे छोटे बच्चों के सामने या फिर बहु बेटियों के सामने इस तरह से गलत बताया जा रहा है, औरतों को लेकर आते हैं। ये वो मकान है, आप अगर आपको मैं दिखाऊं तो सिर्फ एक कमरा जो है अंदर नजर आ रहा है, और इस घर में बताया जा रहा है कि कुछ भी नहीं है। जी हाँ, कुछ नहीं है जो ऐसा लगे कि इसमें कोई किराए पर रहता है, यहाँ पर वो खाना बनाता है। यहाँ पर सिर्फ बताया जा रहा है अंदर एक गद्दा पड़ा हुआ है और वहाँ पर एक आधी सोडे की बोतल पड़ी, यानी कि जो अंदर की परिस्थितियाँ वो संदिग्ध हैं। कि ये पूरा जो है शक जताया जा रहा है कि अलग अलग अगर औरतें यहाँ पर आती हैं तो यहाँ पर गलत ही होता है। जिस तरह से गली वालों का कहना है कि अगर कोई एक औरत आए तो लगता है कि वो उनकी वाइफ हो सकती है, पर अगर हर वक्त
अलग अलग औरतें आ रही हैं, तो इट मींस कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत जरूर है। अगर मैं इस इलाके की बात करूँ तो यहाँ पर फिलहाल कई जो प्लॉट खाली देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए शायद इस तरह के इलाके में जो लोगों की जो गतिविधियाँ इस तरह की है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जो लोग हैं वो इस तरह के मामलों के खिलाफ बोलते नजर नहीं है। मौके पर बताया जा रहा है 32-33 पुलिस स्टेशन से जो पुलिस पहुंची है वो उनको लेकर गई है। मौके पर ही एक महिला को भी पकड़ा गया है। जी हाँ, इसी कमरे में से एक महिला को पकड़ा जाता है और उसके साथ ही उस व्यक्ति को भी यहाँ से लेके जाया जाए। पृथ्वी विहार ये इलाका है, यानी कि बहुत करनाल से बाहर की तरफ ये पड़ता है। सभी से मैं यही अपील करूँगी, वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आजकल इस तरह की जो गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर बच्चों की मैं बात करूँ, नौजवानों की मैं बात करूँ, तो वो लोग तो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त जो होते जा रहे हैं, पर अगर यहाँ पर बात की जाए व्यक्तियों की, यानी कि जो 45 प्लस हो गए हैं, वो भी इस तरह के मामलों में बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जो एक पिता समान किसी की जब उम्र हो जाती है, उसके बाद भी यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ जो है देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है। ये घर बताया जा रहा है किसी सरदार जी का है, आसपास के रहने वाले हैं, और अगर मैंने उनसे पूछा कि ये किराए पर वो लोग यहाँ रहते तो फिलहाल जो बताया जा रहा है कि किराए पर भी वो लोग जो नहीं रहते थे, अंदर इस तरह की कोई स्थिति नहीं है कि किराए की जैसी अगर लगे कि कोई यहाँ पर किराएदार रहते हैं तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि घर में सब कुछ होगा, बर्तन होंगे, पर यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ भी नहीं है। जो अंदर की परिस्थितियों की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि अंदर एक कमरा है, एक गद्दा है, एक आधी सोडे की बोतल है। मौके पर यहाँ से एक औरत को भी पकड़ा गया है। जी हाँ, उनको भी पुलिस स्टेशन ले जाया गया है और एक जो है व्यक्ति को, उस व्यक्ति को भी यहाँ से पकड़ा गया है। आप देख सकते हैं कि गली का अगर मैं माहौल बताऊं तो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे होते हैं, बेटियाँ यहाँ पे होती हैं, बहुएं यहाँ पे होती हैं। अगर इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर रहेंगी तो क्या कुछ उन पर असर पड़ेगा, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सीएम सिटी करनाल की ये ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हालात हो गए हैं। जब तक कि कोई आगे बढ़कर इन मामलों में नहीं आता है, तब तक पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। यानी कि जब बताया जा रहा है इस कमरे में कोई नहीं रहता, किराए पर भी नहीं रहता, तो वो व्यक्ति वैसे ही यहाँ पर औरतों को कैसे लेके आ सकता है। तो सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से, आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।